हम कलयुग में रह रहे हैं, जहां छोटी से छोटी बात हमारे जीवन की अशांति और असंतोष का कारण बन जाती है। जो पास नहीं उसे पाने की इच्छा, जो पास है उसे खोने का डर लगा रहता है। ईर्ष्या, द्वेष, काम, लालच से भरे इस अंधेरे वक्त में एक रोशनी की तरह जो दिख रहे हैं, जिन्हें देख के मन शांत हो जाता है, जिन्हें सुन के आपको एक ऐसी मूल्यवान तेज मिलती है जो बहुत रहस्यमय और गुप्त है, वह है राधा नाम का प्रकाश। मैं बात कर रहा हूँ गुरुदेव श्री हित प्रेमानंद महाराज जी की, जिसकी वाणी से केवल एक ही प्रेम रस सुनने को मिलता है, वह है राधा। दोस्तों, ठाकुर देवकी नंदन महाराज उनकी चरणों में लेटकर वंदना करते हैं, विराट कोहली जैसे क्रिकेटर घुटनों पर बैठकर आशीर्वाद लेते हैं, न्यायाधीश उन्हें फैसले लेने से पहले इनके पास राय लेने पहुंचते हैं। मानो दुनिया को कुछ ऐसा एक संत मिल गया हो, जो आडंबर से दूर किसी ज्ञान की गुफा में विज्ञान को चैलेंज कर रहा है। इसीलिए आज हम आपको इनकी पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, आज के करीबन 60 साल पहले की बात है। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म कानपुर के सरसोल ब्लॉक के आखिरी गांव में हुआ था। तब ये प्रेमानंद जी महाराज नहीं बल्कि अनिरुद्ध कुमार पांडे हुआ करते थे। सिर्फ 10 साल की आयु में स्वामी प्रेमानंद महाराज जी अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, मैं पढ़ाई नहीं गीता पढ़ना चाहता हूँ, रामायण को समझना चाहता हूँ, भगवान को मरने से पहले समझना चाहता हूँ। माँ, मैं घर छोड़कर आश्रम में भगवान से मिलने जाना चाहता हूँ। माँ को लगा बेटे को किसी ने कुछ बताया होगा। पिता को लगा कि उसने किसी संत की बात सुन ली होगी, पर प्रेमानंद महाराज जी के दिल का कनेक्शन भगवान से था। घर को त्यागने का सबसे बड़ा कारण यह था कि उन्हें लगता था कि क्या फायदा ये सांसारिक मोह का, क्या फायदा अपने माँ बाप को प्रेम करने का, जब एक ना एक दिन ये प्रेम को छोड़कर चले जाएंगे तो क्यों ना उससे प्यार किया जाए जो हमें कभी ना छोड़कर जाए। स्वामी प्रेमानंद महाराज जी ने घर छोड़ दिया। 13 साल की उम्र में मोक्ष की नगरी काशी में भगवान से मिलने की अभिलाषा लेकर पहुंच गए। महाराज जी खुद बताते हैं कि मैं बनारस में 4 बजे भोर में ही गंगा में स्नान करता था, फिर भिक्षा मांगकर प्रसाद ग्रहण करता, सत्संग में ध्यान लगाता। बनारस संतों की नगरी है और उसके साथ रहता। जिस दिन भिक्षा नहीं मिलती उस दिन गंगाजल ग्रहण करके ही भगवान का अनुसरण करता था। तुलसी घाट के किनारे ही वृक्ष के छांव में रहता, गंगा के ठंडे पानी से सवेरे स्नान करता था, वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान लगाता, उसके बाद भिक्षा के लिए 10 से 15 मिनट का इंतजार करता और यदि इसके अंतराल में कोई कुछ खाने को दे जाता था तो खा लेते थे और यदि नहीं मिलता था तो कई दिनों तक भूखे गंगाजल पीकर ही जीवन यापन करना पड़ता था। बनारस में गंगा की गोद में सोए प्रेमानंद महाराज जी को सपने में भगवान शिव आते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या खोज रहे हो, तुम्हें अगर भगवान से मिलना है तो वृंदावन जाओ। दोस्तों, एक बार की बात है, जब प्रेमानंद जी महाराज तुलसी घाट किनारे बैठे थे तभी उन्हें किसी अनजान साधु ने आकर कहा कि महाराज, काशी में एक विश्वविद्यालय में रासलीला का आयोजन हो रहा है, हम लोग भी रासलीला देखने चलते हैं। परंतु श्रीहित प्रेमानंद महाराज तो एकांत में रहना पसंद करते थे, इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज ने उन महात्मा को मना कर दिया। परंतु वह संत हट करने लग गए थे तो प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि यदि ये संत इतना हट कर रहा है तो जरूर ईश्वर की कोई ना कोई लीला होगी। फिर क्या था, फिर प्रेमानंद जी महाराज जी लीला देखने पहुंचे, परंतु उन्हें क्या आभास था कि श्री कृष्ण और राधा रानी की रासलीला
उनके हृदय में बस जाएगी और उसके बाद भी महीनों तक प्रेमानंद जी महाराज ने रासलीला देखी। लेकिन रासलीला करने आए हुए वृंदावन से कलाकार के जाने का समय आ चुका था। तब महाराज जी ने सोचा कि अब ये अगर यहाँ से चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। बाबा ने दूसरे ही दिन रास्ता नाप लिया और वृंदावन पहुँचे तो जिंदगी भी दूसरा अध्याय लिखने को तैयार थी। वृंदावन में श्री द्वारिकाधीश के दर्शन करते हुए प्रेमानंद जी महाराज फूट फूट कर रोने लगे। मंदिर के बाकी भक्तों ने देखा कि एक जवान बालक संत के रूप में भगवान को निहार कर क्यों रो रहा है। दोस्तों, वृंदावन में आने के बाद ही प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत बहुत खराब हुई। उस समय तक महाराज जी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिस कारण से रामकृष्ण मिशन में जांच कराने गए तो डॉक्टरों ने उनसे कहा, महाराज यदि कोई बीमार होता तो मरीज की बीमारी के बारे में हम उसके परिवार वालों को बताते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज आप तो अकेले ही हैं, इसीलिए हम आपको ही बता देते हैं। आपकी दोनों किडनियां आधी से ज़्यादा खराब हो चुकी है और कुछ ही समय बाद आपकी दोनों किडनियां बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। महाराज जी को पॉलीसाइटिक नामक डिजीज है, जिसे संक्षिप्त में PKD कहा जाता है, जो कि किडनी की एक वंशानुगत बीमारी है। अगर इसका सही समय पर उपचार ना किया जाए तो इससे किडनी का आकार सामान्य से बहुत बड़ा होने लगता है, जिससे किडनी खराब भी हो सकती है। कभी कभी किडनी फटने का भी डर रहता है। प्रेमानंद महाराज की कई सारे सेवकों ने उन्हें किडनी देने के लिए भी कहा, लेकिन महाराज जी का कहना है, मुझे किसी की भी किडनी की आवश्यकता नहीं है, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। शरीर को जितने दिन चलना होता है, जैसे चलना होता है वो चलता है। मैं यहाँ बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि किसी दूसरे के शरीर को कष्ट देकर उसके पेट को काट कर किडनी निकाली जाए और मेरे शरीर में लगाई जाए। मेरा जीवन इस समाज के सुख और कल्याण के लिए है। मैं अपने सुख के लिए किसी को कष्ट नहीं दे सकता। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। इस रोग के बहाने मुझे श्री जी का दुलार तो मिलता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये रोग मुझ पर कृपा कर रहा है, क्योंकि आज मैं अपने आप में असहाय हूं। मैं जो कुछ भी हूं श्री जी का बल पर ही हूं। जिस इंसान की किडनी फेल है वह क्या ऐसी साधना कर सकता है? पर रोज भजन सत्संग हो रहा है, श्री जी करवा रहे हैं, ये उन्हीं का सामर्थ्य है। श्री जी का सामर्थ्य भी कैसा कि आप उसे देखकर ये नहीं कह सकते कि मैं किडनी फेलियर हूँ। मेरे पूरे शरीर में 24 घंटे दर्द रहता है, पर मैं कभी दर्द से कहराता नहीं हूँ। मेरा चेहरा कभी उदास नहीं दिखता, मैं हमेशा हंसता मुस्कुराता हूँ। इस रोग की स्थिति में भी मैं रोज रात के 11 बजे सोता हूँ और सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ। तो दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज एक बार बता रहे थे कि जिस किसी भी आश्रम में वे रुकते थे, जैसे ही आश्रम वालों को पता चल जाए कि इसकी किडनी तो खराब है, तो वो सोचते थे कि यदि ये यहाँ रहा तो दवाई करानी पड़ेगी, पैसा खर्च होगा, सेवा करनी पड़ेगी, और यदि यह मर गया तो इसके लिए पता नहीं क्या क्या काम करनी पड़ेगी। और मैं भी समझ जाता था कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मेरा साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। आज हम लोग जो भी कुछ देख रहे हैं ना, ये सब लाडली जी की कृपा है। मेरा एक रुपया भी इसमें नहीं है। इसे वृंदावन की बात करूं तो कड़ाके की ठंड में गेहूं के बोरे सिलकर उन्हें ओढ़कर रातें गुजारी है मैंने। ये दशा थी मेरी, कुछ नहीं था मेरे पास। यदि मेरे पास 5 रुपये की भी ज़रूरत होती थी तो किसी की तरफ देखना पड़ता था, मांगना पड़ता था। यदि आज भी मेरी वह स्थिति होती तो पड़े पड़े सड़ जाता, कोई पूछने वाला भी नहीं रहता। अगर श्री जी ने यह सब व्यवस्था ना की होती तो यह सब कुछ ना हो पाता। आज सब उन्हीं की कृपा से है।
सामान्य दृष्टि से देखोगे तो लगेगा सब जादू से हो रहा है। 250-300 लोगों का थाल, दाल, भात, राजभोग, फिर शयन भोग, फिर दूध की व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, सब अपने आप हो रहा है। इसीलिए ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि कल हमारा क्या होगा। जिस परम पिता ने हमारी आज की व्यवस्था की है, वह हमारी कल की व्यवस्था भी करेगा। आज के तारीख में प्रेमानंद जी महाराज के अनेकों भक्त हैं। लोग उन्हें अपना भगवान मानते हैं, गुरु मानते हैं। जिस बालक को एक समय में एक एक रोटी के लिए तरसना पड़ता था, जिसे अपने जीवन में इतना दुख उठाए हो लेकिन कभी अपने भगवान को नहीं छोड़ा, आज उन्हीं भगवान ने उस बालक को इतना बड़ा बना दिया कि वह खुद ईश्वर का अवतार कहा जाने लगा। यही तो प्रभु की लीला है जो हम इंसान कभी नहीं समझ पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।